दोस्तों ये है मेरे पास आज गाड़ी 28-30। ये गाड़ी भाई भरी हुई बिल्कुल कार बना दी अब तो। अब देख रहे यहाँ पे आके ऐसे गियर फंस जाता, उधर नहीं होगा। बाजी का एवरेज सही नहीं आता तुम्हारी वाली गाड़ी का। भाई ये जा रही मिट्टी भर के, बहुत धीरे आ रहे हैं भैया, बहुत धीरे कसम से। हाँ हाँ ऐसे ही क्या डालते हैं, बिल्कुल कमा खाएंगे, रेस देते रहोगे तो कमा खाएंगे। हाँ। पिएगी ही गाड़ी। दोस्तों ये है मेरे पास आज गाड़ी 28-30। एसी केबिन लोड तो मानती ना, टिंटेड ग्लास करवा रखे हैं भाई ने, इसको सरदार जी चलाते हैं ड्राइवर, बड़े शौकिया हैं। आगे भी थोड़ा दिखाओ, टाटा वाले है ना, भारत बेंज का बहुत मस्त, बहुत अच्छे। बिल्कुल कार बना दी अब तो। हाँ। अब तो वोल्वो में यहाँ पे LCD भी आ लिया रखे, इसमें भी आती है LCD, मैंने रिव्यू करा था एक नई गाड़ी का। हाँ, आती है, हो सकता है। सारी चीजें ऑप्शनल है ना भाई, जितना वो डालोगे उतना मिलता होगा, उतना रेंज बढ़ती रहेगी जितना जो चीज चाहोगे। चलाते हैं अभी जो उतरे थे। हाँ, स्टीयरिंग पैसे नहीं भाग रहा था उनका, गियर डाल दूंगा भाग रहा था, जब गियर डालते थे तभी। गियर डालने की तो कला ही है गाड़ी। हाँ, गियर डालने था, स्टीयरिंग तो होना नहीं चाहिए बिल्कुल। और है क्या, वो कुछ लोग गियर डालने थे उसी की तरफ देख रहे थे ना, लीवर के साइड। मैंने कहा आगे देखो भाई, लीवर क्या देख रहे हो। जगह जगह ना नालियां सी खुदी हुई। हाँ, ये पाइपलाइन डली है। क्या दिखा रही है अभी वैसे मीटर में? अरे इसका छोड़ो, इससे एवरेज से क्या होगा, ये तो ऐसी, तो ऐसी दिखाएगी ये तो, मतलब जिस टाइम तुम जैसी गाड़ी चला रहे हो वैसा दिखाएगी। हाँ। ऑल एवरेज थोड़ी ना निकाल के बताएगी। हाँ भाई, तुम्हारी पूरी गाड़ी ने इतने किलोमीटर में इतने टैंक फुल में और ये डीजल खाया है। एक बार किसी बंदे को थोड़ी देर बिठा के देखना किस टाइप से गाड़ी उठाते हैं वो, कौन उनका उठाने का हिसाब कुछ और रहता है, पता नहीं भाई। खींच के जैसे अपना नॉर्मल गियर डालो उसी हिसाब से खाएगी। अब वो 5 नंबर गियर डालेंगे फिर तो खाएंगे, रेस देते रहोगे तो कमा खाएंगे, पिएगी ही गाड़ी। उनका खींच के डालने वाला गियर सिस्टम गलत है, गाड़ी खींच के गियर डालते हैं। गियर नहीं मारोगे तब भी गाड़ी डीजल खाएगी।
अच्छा क्यों अच्छा जाता है, यूज्ड टू नहीं हूं ना मैं इसका, यूज्ड टू हो जाऊंगा तो ज्यादा से ज्यादा दो चक्कर में। टाटा ही गाड़ी बढ़िया, लोड नहीं मानती है जो वो गाड़ी है, लोड मानती है बाकी सारी, मतलब नई गाड़ियां फिलहाल ये इतना लोड नहीं मानती टाटा की। इसमें इतना माल है 10-25 हम जो ये 56 राजू भाई वाली 500 क्विंटल बालू ढोया है इससे, 520 हाँ उससे 500 क्विंटल बालू ढोया है। ना एक चक्कर पूरा मारोगे ना अगला चक्कर नहीं लगेगा। जिस जितनी तेज करंट पकड़ेगी उतनी एकदम नहीं पकड़ेगी, और राजू भाई वाली है वो रेस के ऊपर जितना एकदम रेस है तो उतनी एकदम उठ के भाग पड़ेगी। ऐसे चलाते होंगे सरदार जी? हाँ हाँ ऐसे ही गियर डालते हैं बिल्कुल, इतना एकदम खींच के। लाली तुम बस थोड़ी चला रहे हो, पानी पड़ा नहीं है, फूल है, दूर बैठ गए अपना आराम से जाओ। देखो यहाँ पे डट के मारो खड़ी कस के मेरे डली अब आया एयर में था यही सारा दिक्कत। लीक वहीं पे उतना ही गहरी होती रहती है। देखो दोस्तों ये आ गई पटरी, यही हमारा काम चल रहा है। अब इस बार जो हमारा काम चल रहा है बोरो एरिया बहुत ज्यादा दूर है, इसलिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है हमको साइड पे आने के लिए। गेयर ले लेगी चौथा फेज के साथ गेयर ले लेगी, आराम से ले लेगी और चढ़ भी जाएगी। चौथा गेयर में चले दोस्तों इतनी चढ़ाई में देख रहे हो, और चौथे में भी चढ़ जाती है अगर इसे थोड़ा सा हां शुरू से ना होता ना थोड़ा शुरू से चढ़ जाता है, अगर थोड़ा सही हो ना थोड़ा सा ऊंचा नीचा हो रखा है चौथे में चढ़ जाएगी आराम से, इवन अगर स्पीड में हो तो पांच में भी चढ़ जाएगी। इस पे आके मस्त चलती है गाड़ी एकदम, इस पे बिल्कुल भी ऐसे भी नहीं होती है। पक्का हो गया ना ये ब्लैंकेट दोस्तों डालने का, आगे ब्लैंकेट मींस पत्थर वगैरह जो है जीएसपी इसको बोलते हैं, मतलब जीएसपी बोलते नहीं है, जैसे अपना हाईवे में सब ग्रेड के बाद जीएसपी आती है वैसे यहाँ पे सब ग्रेड के बाद ये ब्लैंकेट।
ज्यादा उड़ती है इस पे। धूल जो है ना थोड़ा इस तरफ चलोगे ना तो ये है कि पटरी पे धूल थोड़ी कम जाएगी, इस पे कितना भी पानी मार लो भाई ना इस पे तो कोई मतलब ही नहीं पानी, ये तो वैसे ही गर्म है तुरंत सूख जाता है, तुरंत पानी जाता रहता है, कितना पानी मार लो इसपे आप कवर इसको कर ही नहीं सकते, सूख भी तुरंत जाता है। इलाज है थोड़ा सा धीरे चलो। इलेक्ट्रॉनिक फैन कितनी तेज 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 काम करता है, ठीक है दोस्तों मैं उतर रहा हूँ गाड़ी पे से, भाई चलाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, कैसा लगा आपको मेरा ड्राइव एक्सपीरियंस, और जो जो मैंने बताया बिल्कुल रियल बताया है, और आपको भाई टाटा की गाड़ी 28-30 कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। भाई गाड़ी बहुत पावर है, बहुत पावरफुल गाड़ी है, और एवरेज भी ठीक ठाक दे देती है, मतलब अगर हम अर्थवर्क का काम कर रहे हैं और पक्के रोड पे और थोड़ा कच्चे रोड पे चलना है तो वही 1.8-1.7 ऐसा एवरेज दे देती है, टैंक टू टैंक हमने चेक कर रखा है। ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको, कैसा लगा आपको मेरा चलाने का तरीका प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं कल नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय, लव यू।